हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशु मैम में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडिशन और फ्रैक्शन कैसे किया जाता है। किसी भी देरी के बिना चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में हम दो फ्रैक्शंस लेंगे, जैसे 4/5 + 3/5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों फ्रैक्शंस में हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होता है तो हम आंसर में भी सेम नंबर को एज इट इज ले सकते हैं, और जो अपर पार्ट है हमारा, इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर के अगर 1, 2, 3 या कोई कितनी भी फ्रैक्शंस और होती हैं तो हम उनको इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 1/5 और होता है, हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर है हमारा सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, और 1, 4 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे शुरू करते हैं, हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे 4/5 + 6/2 के हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। इसमें हम देखेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो अलग है, तो उसको क्या करना है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले पार्ट्स न्यूमिनेटर्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 4 × 2 वो हो जाएगा 8 + 6/5 = 30, ये हो जाएगा 38/10। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 = 2 और 2 9 = 18, 2 5 = 10, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 19/5। यह फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर इसमें फ्रैक्शंस एक्स्ट्रा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड है वो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर। अभी तक हमने देखा दो फ्रैक्शंस का एडिशन, अभी हम देखते हैं 3 फ्रैक्शंस का एडिशन। 4/5 + 3/15 + 5/20। अगर फ्रैक्शन को, अगर एलसीएम को हम डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। बड़े नंबर को हम यहाँ लिखेंगे और स्मॉलर नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे। जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो नंबर इसके इन दोनों के साथ डिविजिबल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो फर्स्टली हम 2 के साथ ट्राई करते हैं, 2 40, जो कि इन दोनों के साथ डिविजिबल नहीं है। तो हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से होगा 60 जो है 5 as well as 15 दोनों से डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। अभी हम अपने डिनोमिनेटर्स को अपने एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे। 5 के साथ 60 को डिवाइड करेंगे होगा 12, 15 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे ये आएगा 4, और 20 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे वो आएगा 3। अभी जो हमारे नंबर्स आए हैं उनको हम अपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 12 4 = 48 + 4 3 = 12 + 3 5 = 15। इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो होगा हमारा 75/60। इस नंबर को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।